जॉयस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और दोस्तों आज हम लोग फिर से एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं लखनऊ मेट्रो का, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा रूट है लखनऊ एयरपोर्ट टू मुंशी पुलिया तक पूरा स्टार्ट हो गया है, और जो अंडरग्राउंड मेट्रो है उसको भी हम लोग देखने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों जैसे कि मैं बात कर रहा था कि लोगों में अब बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ और इंटरेस्ट हो रहा है लखनऊ मेट्रो को लेकर, तो आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक जो है बहुत ही ज़्यादा लोग ट्रेवल करने आ रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट काउंटर पे टिकट लेने और फिर करेंगे लखनऊ मेट्रो को ट्रेवल। हाँ लखनऊ मेट्रो अब पूरी तरह से पब्लिक को, जनता को समर्पित है, और मैं और मेरे छोटा भाई आयुष एके व्लॉग्स जा रहे हैं हम लोग लखनऊ मेट्रो का सफ़र करने और बनाएंगे वहाँ पे व्लॉग्स। मेन पॉइंट ये रहेगा कि हमें देखना है अंडरग्राउंड लखनऊ मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर है मेट्रो में ये सुविधा है कि आपको एक्सीलेटर्स भी मिलते हैं, आप बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा फील आ रहा है कि ये लखनऊ में कैसे पॉसिबल हो गया, मतलब नवाबी फील आ रहा है थोड़ा सा। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ इस तरह से लखनऊ मेट्रो के अंदर का सीन। और अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज है तो मोबाइल यूएसबी चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, आपको चार्जर नहीं लाना है, सिर्फ यूएसबी केबल। दोस्तों इमरजेंसी में आप जो है सीधा पायलट से बात कर सकते हो इस बटन को दबाकर। और कुछ एलईडी लगी हुई है, ये है पायलट केबिन, यहाँ पर आगे ड्राइवर रहता है, और ये आपको स्टैंड खड़े रहने के लिए। और सीट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैप लगा हुआ है किस स्टेशन पे हैं आप, कौन सा स्टेशन पार कर रहे हैं, रेड लाइट जल रही, किस स्टेशन पे जाने वाली है, ग्रीन लाइट आपको बताएगी कि किस। फायर अलार्म सिस्टम भी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरास हैं जो आपकी सिक्योरिटी करते हैं, महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए बहुत बढ़िया है। और विकलांगों के लिए यहाँ पर सीट रिज़र्व की गई है, जगह है, आप अपनी व्हील चेयर से भी जा सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। आप तो अभी क्या है, लखनऊ मेट्रो चल चुकी है और पूरी तरह से पब्लिक के लिए पब्लिकली जो है ऑन है लखनऊ मेट्रो। पहले क्या था दोस्तों, लोगों का पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा था, क्योंकि एयरपोर्ट टू चारबाग ही थी लखनऊ मेट्रो, तो जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट नगर से गंज तक जाना होता था तो उनको चेंज करना पड़ता था, जो लोगों को नहीं पसंद आता था और काफ़ी दिक्कत भरा भी काम था। बट अभी क्या है कि ये लखनऊ मेट्रो टोटल एरिया कवर करती है, तो लोगों को सुविधा हो गई। और जिन लोग जो लोग गोमती नगर में रहते हैं या गंज में रहते हैं, उनको पहले चारबाग आना पड़ता था, चारबाग से पकड़ना पड़ता था, तो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अभी क्या है, लखनऊ मेट्रो जो पूरा रूट जो है क्लियर होने की वजह से, पूरे रूट पे चलने की वजह से लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और जा रहे हैं। पहले क्या था, चूँकि हम लोग नवाबी ठहरे, लखनऊआ नवाबी, तो हम लोगों को क्या अपनी गाड़ी से चलते हैं ऐसा कोई, लेकिन अभी क्या है इंटरेस्ट जग रहा है लोगों का और मेट्रो में बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं भाई कुछ अंडरग्राउंड जो है, हम लोगों की चारबाग से जो के डी सिंह बाबू स्टेडियम तक है अंडरग्राउंड मेट्रो, उसको भी दिखाएंगे आपको। Thank you.
तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन पे। हम लोगों का लास्ट स्टेशन था ये डेस्टिनेशन, और हम लोगों का सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेटे केयर, बाय बाय।